Hello everyone, so today we are going to find equilibrium price and quantity, and also we are going to see how to find consumer surplus and producer surplus. Okay, so let's start. So, demand and supply function given to us, and we need to find out uh, equilibrium price and quantity. So, let's say that is our demand function demand curve. Demand curve is P equals to 16 minus Q. Okay. Supply curve P equals to 1 by 3 Q. Okay. This is given to us. So we know that at the equilibrium, uh, quantity demand and quantity supply will be equal. Okay. सो so, इक्विलिब्रियम पे ये दोनों क्या होता है इक्वल होता है ठीक है सो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम जो अच्छा उसकी क्वांटिटी डिमांड ही नहीं प्राइस भी क्या होगी सेम होगी सो जो डिमांड वाली प्राइस होगी वो पी डी ओके जो डिमांड की प्राइस है वो जो प्राइस सप्लाई की होगी वो दोनों क्या होगी बराबर होगी ठीक है सो ये दोनों को ये दोनों जो इक्वेशन है हम इसमें पुट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आ, जो डिमांड की प्राइस वो कितनी है सिक्सटीन माइनस क्यू तो इधर हम लिख देते हैं सिक्सटीन माइनस क्यू ओके और जो सप्लाई की है वो क्या है वन बाय थ्री क्यू ओके सो यहाँ पे आ जाएगा वन बाय थ्री क्यू तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट सो so यहाँ से इस कंडीशन से हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्वांटिटी, ओके सो ये क्यू को हम लोग इक्वल क्यू साइड ले जाएंगे तो वन बाय थ्री क्यू प्लस क्यू इक्व टू सिक्सटीन अब इसको सोल्व कर लो तो थ्री और ये थ्री वन प्लस फोर फोर क्यू बाय थ्री और ये क्या हो जाएगा सिक्सटीन ओके जस्ट अब क्यू इक्व टू फाइंड कर लेंगे तो ये थ्री इधर डिवाइड में हो साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिक्सटीन मल्टीप्लाई थ्री डिवाइड बाई ये फोर आ जाएगा फोर से सिक्सटीन को फोर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो फोर आ जाएगा और फोर मल्टीप्लाई थ्री कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो ये आ गया क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी ट्वेल्व ओके क्वांटिटी ट्वेल्व आ गई ठीक है अब हमें क्या फ़ाइंड करना है प्राइज़ ही फाइंड करनी है तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्राइज बराबर क्या, क्या क्या दिया था कि क्यू बाय थ्री दिया हुआ था ठीक है क्यू बाय थ्री सप्लाई की क्वेश्चन जो दी थी तो यहाँ पे क्यू बराबर ट्वेल्व रख दो तो आप ट्वेल्व प्रोट करोगे डिवाइड बाय थ्री तो कितना आ जाएगा फोर है ना तो क्वान इक्लेवरियम की प्राइस कितनी आ गई फोर ठीक है हाँ तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे हमें इक्लिडियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर ली अभी हमें क्या फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम आ, पहले तो हम इसकी वो बना देते हैं डायग्राम बना देते हैं तो हमें ज़्यादा इजली समझ में आएगा ठीक है तो हमारे पास इक्वरियम की प्राइस क्या आ गई थी फोर और क्वांटिटी कितनी आ गई थी आ गई थी हमारे पास कितनी क्वांटिटी ट्वेल्व ठीक है अब देखो अब हम ड्रॉ कर लेंगे डाय हमारा डिमांड कर ठीक है और यहाँ से निकल जाएगा हमारा सप्लाई कर ठीक है सो मैं पहले डिमांड कर और सप्लाई कर क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड कर था वो कितना दिया हुआ था पी इक्व टू सिक्सटीन माइनस क्यू और सप्लाई कर जो दिया था वो क्या दिया था पी क्वेश टू क्यू बाय थ्री ठीक है ये दोनों दिए थे अब आप लोग तो जानते हो कि ये जो डिमांड कर होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो ये हमारा डिमांड कर है तो इसमें अगर पी क्वेश्च टू जीरो रखोगे तो क्यू इक्व टू क्या आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा ठीक है चलो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ तो पी इक्व टू जीरो तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो सिक्सटीन माइनस क्यू तो क्यू इक्व टू कितना हो गया सिक्सटीन ओके तो क्यू क्वेश्चन अब देखो पी जीरो कहाँ होता है पी जीरो है ये क्वांटिटी ये क्या है हमारी क्वांटिटी क्यू एक्सिस हो गई ठीक है है क्वांटिटी तो इसी पे पे इस पूरे एक्सिस कौन जीरो होता प्राइस जीरो होती इस पे, है ना ठीक है और ये क्या हो जाएगा ये हमारा प्राइस हो गया ठीक है यहाँ पे हो गया हमारा प्राइस तो इस जब एक्सिस पे प्राइस जीरो है यानी किसी भी पॉइंट पे प्राइस जीरो है तो डिमांड करो जहां पे भी कट करेगा ठीक है वो वाला पॉइंट हमें मिलेगा है ना क्योंकि प्राइस इस डिमांड कर पे इसी पॉइंट पे ज़ीरो होगी ठीक है हाँ तो यहाँ पे क्वांटिटी कितना आ गया सिक्सटीन ठीक है सिमिलरली अगर इसमें क्यू इक्व टू आप जीरो पुट करोगे इसी डिमांड कर में तो देखो पी इक्वस टू सिक्सटीन हो जाएगा तो यहाँ पे प्राइस कितनी आएगी पी इक्वस टू सिक्सटीन ठीक है अब देखो अब हम इसका इक्वेरियम प्राइज इक्वेरियम क्वांटिटी तो हम लोग फाइंड कर चुके थे ठीक है तो मैं ये रेट से बता देता हूँ ये जो होगा ये हमारा जो होगा इक्रियम क्वांटिटी हो जाएगा वो कितना आया था हमारा ट्वेल्व ठीक है है ना और इक्म प्राइस जो था वो कितना आया था हमारे पास इक्रियम प्राइस आया था फोर ठीक है तो इक्रियम प्राइस फोर आ गया और क्वांटिटी आ गई ट्वेल्व ठीक है अब हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें और भी कुछ फाइंड करना था फ़ाइंड करना था कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ठीक है तो ये जो पार्ट होता है ये प्राइस से ऊपर और ये जो डिमांड कर है उसके जो नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है ये पूरा जिसको मैं अभी कलर कर रहा हूँ ठीक है इसको क्या बोलते हैं हम कंज्यूमर सरप्लस ठीक है अब प्राइस से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम प्रोड्यूसर सरप्लस ठीक है जिसको अभी मैंने कलर नहीं किया ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ठीक है तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस ठीक है तो कंज्यूमर सरप्लस हमें फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना होगा ठीक है तो एरिया फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे लिख देते हैं कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस सी एस बराबर कितना है ये वन बाय टू हो जाएगा पहले आप लोग को बता दो एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेंगल किसी का भी होता है वन बाय टू हाइट इंटू में ब्रेथ ए इंटू में बी है ना सो so, यहाँ पे जो है हाइट कितनी होगी ये सिक्सटीन पॉइंट है और ये फोर है तो सिक्सटीन माइनस फोर कितना होता है सिक्सटीन माइनस फोर होगा ट्वेल्व तो ये इतना पार्ट क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का ट्वेल्व होगा ठीक है तो ये हमारी हाइट हाँग कितनी आ गई ट्वेल्व ठीक है अब बेस बेस वाला पार्ट यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कितना है ये देखो ये जो पार्ट है जीरो से लेके यहाँ तक का ट्वेल्व है तो ये पार्ट भी तो सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व ठीक है तो ये आ जाएगा हमारा कंज्यूमर सरप्लस तो ट्वेल्व का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई टू ठीक है तो वन फोर्टी फोर को आप लोग क्या करो टू से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा सेवेंटी टू ठीक है तो ये आ गया हमारा कंज्यूमर सरप्लस अब सिमिलरली हमें क्या करना है प्रोड्यूसर सरप्लस करना है तो प्रोड्यूसर सरप्लस उसका क्या होगा पी एस उसका एरिया मैंने बताया था ये जो प्राइस के नीचे वाला भाग है ये वाला पार्ट ठीक है वो क्या है प्रोड्यूसर सरप्लस ये भी देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्म से बनेगा इसमें हाइट क्या होगी ये वाला पार्ट ठीक है ये कितने आए फोर है क्योंकि प्राइस जीरो से फोर गई है अब बेस क्या होगा ये वाला पार्ट तो वो कितना है ट्वेल्व तो फोर इंटू में ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है तो वन बाय टू ये फोर इंटू ट्वेल्व ठीक है तो इसको सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा फोर को टू से कट करो टू टू मल्टीप्लाई ट्वेल्व ट्वेंटी फोर तो प्रोड्यूसर सरप्रस कितना आ गया ट्वेंटी फोर ठीक है और हमारे पास कंज्यूमर सरप्रस आ गया सेवेंटी टू ठीक है दोस्तों तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक है अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो ठीक है